इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। 15 दिन में ये दूसरा ग्रहण है। उज्जैन में ग्रहण आंशिक रूप में केवल 36 मिनट ही दिखाई देगा। महाकाल मंदिर में ग्रहण का असर नहीं होगा। हालांकि ग्रहण काल के दौरान कुछ नियम कायदे अपनाए जाएंगे। मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बताया कि ग्रहण काल के दौरान शिवलिंग को स्पर्श करने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन मंदिर के पट बंद नहीं होंगे। श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर परिसर को जल से धोया जाएगा। पहली बात तो सबसे बड़ी ये है कि राजाधिराज महाकालेश्वर जो कालों के काल हैं और जो समय का निर्धारण और इस संसार का निर्धारण सारी जन्म मरण परण की व्यवस्थाओं को निर्धारित करते हैं, उस मंदिर में इस ग्रहणों का असर होता ही नहीं है और प्रतिमा पर तो विश्वास करते होता ही नहीं है। फिर भी सामाजिक लोक व्यवस्था के अनुसार ग्रहणों को माना जाता है। मंदिरों की पवित्रता और मंदिरों की व्यवस्था को भी रखने के लिए ये सब चीज़ों का यहाँ पे नियम और व्यवस्था परंपरा है। 8 नवंबर 2022 को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का प्रारंभ 2:38 पर होगा। मध्य की स्थिति 4:29 से होगी और ये स्थिति 5:12 पर रहेगी। इस समय चंद्रमा पूरा का पूरा जो पृथ्वी के छाया क्षेत्र में रहेगा। जिन स्थानों पर चंद्रोदय 5:12 से पूर्व होगा वहाँ हम पूर्ण ग्रहण की स्थिति देख पाएंगे। जहाँ जहाँ चंद्रोदय जिस प्रकार से होगा वहाँ पर स्थितियाँ रहेंगी। ग्रहण मोक्ष का समय 6:19 है।